या विटामिन B12 कम है तो भी वेट रिड्यूस होने में बहुत मुश्किल होती है। कुछ रिलेशन पीरियड से है क्या कि आने वाले होते हैं तो वेट लॉस में थोड़ी दिक्कत होती है? बिल्कुल, कई कारण होते हैं, तो सबसे मैं सारे कारणों को आपके इस प्रश्न पर, आपकी इस बात के ऊपर बाकी लोगों को भी जवाब मैं दे देती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न रहते हैं कि मेरा वेट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा, उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा रीजन होता है जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, तब उस समय 1 kg 2 kg तक का उतार चढ़ाव होता है, तो वो और वो एक्चुअली 1 से 2 kg तक इंक्रीज भी हो जाता है, बढ़ जाता है एक्चुअली। सबसे पहला कारण तो पीरियड। दूसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपका वेट, क्योंकि पेट के अंदर जो गंदगी है, स्टूल भरी हुई रहती है, उसकी अगर ठीक से सफाई ना हो तो उसका वेट दिखाई देता है, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। तीसरा, अगर आपकी नींद ठीक से नहीं आ रही है, अगर आप रात को ठीक से नहीं सो पा रहे हो, और बार बार बीच बीच में 2-3 बार अगर यूरिन पास करने के लिए अगर आपको उठना पड़ता है या बाथरूम जाना पड़ता है, उन लोगों को भी लगता है कि हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। और वेट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, नींद का अच्छा और गहरा होना बहुत जरूरी है। नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो अब तक मैंने बताया 3 कारण। पहला, एक तो पीरियड्स यदि आपको है तो, या आने वाले हैं तो, तब आपका वेट बढ़ता है। दूसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। थर्ड कारण है आपका नींद ठीक से ना आना रात के वक्त, नींद किसी भी कारण से आपकी नींद डिस्टर्ब होना, ये 3 कारण। चौथा कारण है यदि किसी को भी लगता है हीमोग्लोबिन कम है, या विटामिन B3 शरीर में कम है, या विटामिन B12 कम है तो भी वेट रिड्यूस होने में बहुत मुश्किल होती है। और फिर आप यदि ये पहले वाले तीनों चारों कारण अगर आपके नहीं है, तो हीमोग्लोबिन आपका कितना है, विटामिन D3 आपका कितना है, और B12 कितना है, ये भी बहुत मायने रखता है। ये तो हो गए इसके मेन कारण। एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने, कई बार ऐसा होता है कि पहले बहुत सारे एफर्ट किए हैं वेट लॉस करने के, और खासकर ऐसे वाले वेट लॉस करने के एफर्ट जिसमें कि आप तरह तरह के प्रोडक्ट आप यूज करते हो और भूख के रहते हो, या इसके अलावा जब आपने बहुत दिनों तक कम खाया हो या डाइटिंग की हो। डाइटिंग करने का मतलब है वजन को कम रखने के लिए कम से कम खाना या भूख के रहना। अगर आप फास्टिंग करते रहते थे, भूखे रहते थे, या इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करते थे, या ग्लूटेन फ्री डाइट आप बोलो, या तरह तरह के जो भूखे रहने के तरीके बहुत सारे, या आप को छोड़ देना, या कीटो डाइट फॉलो करना, या बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट को यूज करना, इनमें से अगर आपने कोई भी तरीका पहले अपनाया होगा जिसकी वजह से आपका बोन वेट यानी कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उन कारणों की वजह से, उन गलतियों की वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन का वजन हल्का हो जाता है, मसल मास कम हो जाता है, यानी कि मसल भी आपकी हल्की हो जाती है, कमजोर हो जाती है और ढीली हो जाती है। और जैसे ही आप हमारे 30 डेज 90 डेज का जुड़ते हो और आप देखते हो कि आपके इंचेस तो कम हो रहे हैं लेकिन वेट कम नहीं हो रहा, यही हो तो इसका मतलब आपने बिल्कुल बहुत सारी गलतियां ऐसी की हैं आपने पास्ट में, जिसमें कि आप अक्सर भूखे रहते थे, या तो डिनर आपने बहुत बार स्किप किया हो, या किसी भी तरीके का डाइटिंग के लिए एफर्ट किया हो, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। तो जिन लोगों ने गलतियां की हैं पहले पास्ट में, उसका असर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी को भी लगता है कि मेरे इंचेस तो जा रहे हैं लेकिन मेरा वेट मशीन पे नहीं दिखाई दे रहा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया स्थिति है आपकी, आप ज्यादा फायदे में हो, क्योंकि आपके बोन और मसल हैवी हो रहे हैं, वो स्ट्रांग हो रहे हैं, जो कि फ्यूचर के लिए आपके कुछ आगे आने वाले समय में जब आपकी उम्र बढ़ेगी, उस समय आपकी हड्डियां उम्र बढ़ने की वजह से जो कमजोर होने लगती हैं, वो प्रॉब्लम से आप समय रहते ही अभी मुक्त हो जाओगे।
जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं या आर्थराइटिस जैसी समस्याएं होती हैं, और या नी में गैप आ जाता है या बैक में गैप आ जाता है स्पाइन में अंदर, ऐसी बुरी समस्याओं से आप पहले ही निजात पालोगे, वो आपको होगी नहीं, फ्यूचर में आप उससे बचे रहोगे। तो इसलिए खुश हो जाइए, अगर जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरे इंचेस जा रहे हैं लेकिन मेरा वेट नहीं जा रहा, वो स्थिति सबसे अच्छी स्थिति है। इनमें से अगर आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि आप कौन सी वाली स्थिति में सही बैठते हैं, बॉडी टोनिंग बहुत अच्छी हो रही है, मुझे आपका योगा सेशन सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इतना खुश होती हूँ वो करके, और मतलब मैं रात को लेटती हूँ तो मुझे अपने लेग्स की मसल्स इतनी हल्की फील होती हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। और मैं सारा दिन मम्मी से यही बातें करती हूँ, मुझे इनका योगा बहुत पसंद है, योगा बहुत पसंद है। तो मतलब एक बार सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था आपके वाला योगा करके देखो, आपकी थोड़ी पता लगेगा आपको, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा वो। तो मतलब वो दिन जिस दिन मैं योगा करती हूँ मेरा पूरा दिन बहुत सही जाता है, बहुत अच्छा जाता है। तो मैम एक एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में चुप। तो एक कोई योगा आसन ही बता दीजिए कि जिससे कोई पेट अच्छे से फ्रेश हो जाए। हाँ, जिससे मतलब आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो जाए, बेसिक हाँ अच्छा सुबह है ही। हाँ बिल्कुल, जो हम फ्लोर के ऊपर जो एब वर्कआउट करते हैं एक्चुअली, जो कमिंग वीक में आने वाला है, एक हफ्ते का पूरा एक वीक का सेशन है जो एब चैलेंज में होगा, उससे आपका पेट अच्छी तरह साफ होगा। उसमें जो भी वर्कआउट होंगे, स्टैंडिंग वाले, सिटिंग वाले, और फ्लोर के ऊपर सुपाइन प्रोन प्रोन पोजिशन में, वो सारे के सारे पेट को लेकर होंगे, तो उसमें अच्छी हलचल मचेगी और छोटी आंत और बड़ी आंत अच्छे तरीके से एक्टिवेट होगी, आपके ऑर्गन में बहुत सारे एक्टिव होंगे और उसमें आपको ऐसा फील होगा कि आपका पेट अच्छी तरह साफ होने लगा। वो फोकस्ड वो वाला प्रोग्राम होगा, और जो पीसीओडी पीसीओ से संबंधित जो के नेक्स्ट वाला वीक है, वो भी पीसीओडी एंड पीसीओ भी बहुत सारे हमारे आंतों से संबंधित और जो लोअर एब्डोमिन पे जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि यूट्रस, ओवरी, और उन्हीं के आसपास बड़ी आंत भी होती है यानी कि इंटेस्टाइन भी होती है, जो कि पेट को साफ करने में बहुत मदद करती है, पूरा सिस्टम उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो अगले आने वाले जो 2 हफ्ते होंगे और 8 to 8:30 जो सेशन होंगे, 5 डे होगा आपका एब चैलेंज और 5 डे होगा पीसीओडी एंड पीसीओ का प्रोग्राम। तो उसको जब आप अटेंड करेंगे तो बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगे। उन सभी एक्सरसाइज तो पेट भी साफ करेगा और साथ ही हार्मोन को भी बैलेंस करेगा, वो सारे फायदे आपको उस दौरान देखने को मिलेंगे। उसको मिस मत करना, उन 2 वीक्स को कोई भी मिस नहीं करना, केवल शैली की नहीं बाकी महिलाओं को भी मैं कहूंगी कि फॉर्म को रजिस्टर जरूर कर दें और उसको मिस ना करें, बहुत अच्छा मौका होगा, उसको बिल्कुल भी मिस ना करेंगे। एक मैम एक डाइट मेरी मम्मी फॉलो करते हुए शुगर की, इनको अभी अभी टेबलेट स्टार्ट की है, जिस दिन इन्होंने राइस खाए इनको थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा था और सिर हैवी सा हो रहा था पीछे से, तो ऐसा होना ठीक है ये, मतलब क्या है, उस दिन सारा दिन ही मतलब हैवी हैवी सा लगा इनको। ये हो सकता है कि पेट भर के आपने हो सकता है बहुत दिनों के बाद में खाया हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो, ये पॉसिबल है क्योंकि क्वांटिटी अभी आपने बढ़ा दी है भोजन की, तो ये पॉसिबल है कि चावल को दोष मत दीजिए, कोई भी जो खाने की चीज है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, उसको बढ़ाएगी नहीं, रीजन कुछ और हो सकते हैं, तो वो जो जब आपसे बात करेंगे तभी आपको उसका रीजन पता चल पाएगा, है ना। तो हाँ, चावल गेहूं का कोई भी दोष नहीं है, उनके प्रति निश्चिंत रहिए और खूब खाइए, अच्छे तरीके से खाएंगे, वो आपके शरीर को मजबूत भी बनाएगा और साथ ही वेट भी आपका रिड्यूस करेगा, और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियां हैं, वो सारी भी जड़ से पूरी की पूरी जड़ समय शरीर से निकल जाएंगी। हैं उनको देख के सुबह 5:30 बजे उठना, 15 दिन पहले जब से रजिस्ट्रेशन कराया तब से स्टार्ट कर दिया है, रूटीन फॉलो करना, ईटिंग रूटीन भी सब चेंज कर दिया है, और अब से तो बिल्कुल मतलब जो एक टाइम चाय पी लेती थी वो भी बंद, बिल्कुल जीरो, मतलब शुगर तो जीरो ही हो गई है और क्रेविंग्स भी बिल्कुल खत्म है, कोई मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है।